श्रीराम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोना चांदी बर्तन इत्यादि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर्व के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय है, धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, दूसरा उपाय है, ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है, इस दिन लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। दोस्तों, इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांध कर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है। अगला उपाय यह भी, एक विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस की संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। उसके बाद एक टोटका यह भी है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर ले आए जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।